रूसी नेताओं को लेकर अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। वैगनर ग्रुप के चीफ से डरते हैं कई रूसी लीडर्स। पुतिन और प्रिगोजिन में बढ़ रहा है तनाव। रिपोर्ट में पुतिन के करीबी सर्गेई मार्कोव के बयान का हवाला दिया गया। अब पुतिन की उस आर्मी से डरने लगी है जिसे खुद पुतिन ने पाला पोसा और खूंखार बनाया। रूसी लीडर्स को लेकर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि रूसी लीडर्स वैगनर ग्रुप के चीफ से डरते हैं। और खास बात यह है कि इस रिपोर्ट को पुख्ता करने के लिए पुतिन के करीबी सर्गेई मार्कोव के बयान का हवाला दिया गया। रूसी नेताओं को वैगनर चीफ से आखिर डर क्यों है, ये बड़ा सवाल। क्योंकि पुतिन के करीबी मार्कोव ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि क्रेमलिन के कुछ नेताओं को प्रोगोजिन से डर है। प्रोगोजिन के फैसले से क्रेमलिन के कई नेता डरते हैं और प्रोगोजिन के खतरनाक फैसलों से ही कई रूसी नेता भी अपना डर जाहिर कर चुके हैं। क्रेमलिन ने रूसी मीडिया के लिए आदेश भी जारी किया। प्रोगोजिन को ज्यादा प्रमोट नहीं करने के आदेश के तहत ये बड़ी खबर आई, जहां डर के चलते प्रोगोजिन से दूर रहना चाहते हैं कई रूसी लीडर्स। और मार्कोव के बयान से भी ये साफ है कि पुतिन और प्रोगोजिन में अब तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन की बेहद करीबी प्रोगोजिन ने 1 मई 2014 को ही एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी जिसे वैगनर बटालियन के नाम से जाना जाता है, जो इस वक्त यूक्रेन में कोहराम मचा रही है। और वैगनर ग्रुप के लीडर का बड़ा दावा, ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने में 3 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। डोनबास पर कब्जे में 2 साल का वक्त लग सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार का पलटवार, जहां रूस से शांति वार्ता का अब कोई सवाल ही नहीं उठता। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ना जंग खत्म हुआ है और ना ही इसके जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद है। रूसी वैगनर ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन ने खुद इसका दावा किया है। ये गेन प्रिगोजिन के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध अभी और 3 साल तक खिंच सकता है। प्रिगोजिन ने कहा है कि डोनबास पर कब्जा करने में 18 महीने से 2 साल तक का वक्त लग सकता है। वहीं रूस अगर नीपर नदी के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा चाहता है तो इसमें 3 साल का समय लग सकता है। मतलब साफ है कि रूस फिलहाल युद्ध को खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं है, खास तौर से तब जब कुछ पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। यूक्रेन में शांति की उम्मीद को कीव भी खत्म कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखेलो पोडोयाक के मुताबिक रूस से शांति वार्ता का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं है, वो भी तब जब रूसी मिसाइल यूक्रेन के कई इलाकों में गिर रहे हैं। ये वही पोडोयाक है जो युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन के निगोसिएशन टीम का हिस्सा थे।